गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग किंग क्रिकेट। तो आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम सबके चहेते टूर्नामेंट आईपीएल के बारे में। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि ऑक्शन कब है, कहाँ होगा और फाइनल ऑक्शन डेट क्या है। साथ ही एक दूसरी न्यूज़ की हमने जांच पड़ताल की है कि किंग्स इलेवन पंजाब किसको अपना हेड कोच बनाने जा रही है, क्योंकि जितने भी आईपीएल लवर हैं या फिर किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस हैं उन सबके मन में ये सवाल है कि किंग्स इलेवन पंजाब अपना हेड कोच आईपीएल 2020 के लिए किसको चुनेगी, क्योंकि माइक हेसन जो है पहले से ही रिजाइन दे चुके हैं। तो इन सभी बातों की हम जानकारी देंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही आप अगर आईपीएल के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्रिकेट फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि क्रिकेट वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहें। तो आपका बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के हेड कोच की। माइक हेसन के रिजाइन के बाद बहुत सारी रूमर्स हमें सुनने को मिल रही हैं कि ये होगा कोच या फिर कौन हो सकता है कोच, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक किंग्स इलेवन पंजाब ने हेड कोच की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। हाँ, हम आपको एक क्लियर कन्फर्म रिपोर्ट दे रहे हैं कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने हेड कोच को लेकर चार नामों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से किसी एक को कोच चुना जाएगा। तो वो नाम इस प्रकार से हैं: एंडी फ्लावर, जो कि इंग्लैंड के पूर्व कोच रह चुके हैं, डैरन लेवन, जो भी ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके हैं, इनके अलावा जॉर्ज बेली और माइक हसी के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो इन्हीं में से कोई एक कोच बनने वाला है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का। अब हम बात करेंगे आईपीएल ऑक्शन 2020 की। आईपीएल 2019 की ऑक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा पैसों की बरसात हुई थी, जहां 8 टीमों के 60 प्लेयर्स की बोली 106 करोड़ 80 लाख रुपए में लगाई गई थी। अगर हम देखें मोस्टली आईपीएल ऑक्शन जो है वो होता है फरवरी के महीने में, लेकिन इस बार रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल अथॉरिटीज़ ने ऑक्शन को जल्दी कराने का फैसला लिया है और आईपीएल ऑक्शन 2020 दिसंबर में देखने को मिल सकता है। साथ ही आईपीएल 2020 की शुरुआत है वो अप्रैल के महीने में हो जाएगी। अगर हम देखें अभी आईपीएल स्टार्ट होने में लगभग 7 महीने हैं, लेकिन सभी टीमों ने अपनी स्क्वाड को स्ट्रांग करने की मुहिम शुरू कर दी है। सभी टीमों को अपनी स्क्वाड को स्ट्रांग करने का मौका ऑक्शन जो है दिसंबर में मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक मिनी ऑक्शन होगा, जिसमें इस बार खिलाड़ियों की सैलरी कैप है वो 3 करोड़ रुपये बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 3 करोड़ रुपये जो है वो उन्हें बढ़कर मिलने वाले हैं। इसका सीधा मतलब है कि सभी टीमों को खर्च करने की जो टॉप लिमिट है वो 86 करोड़ रुपये हो जाएगी। अगर बात करें वेन्यू की, तो पिछली बार का ऑक्शन जयपुर में हुआ था और इस बार रिपोर्ट्स की माने तो इस बार का जो आईपीएल ऑक्शन है वो हमें बेंगलुरु में देखने को मिल सकता है। इसी बीच आईपीएल की टीमों में अभी से खिलाड़ियों की ट्रेडिंग जारी है, जहां मयंक मार्कंडे और सैफरन रदरफोर्ड की ट्रेडिंग हो चुकी है। ऐसे में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रविचंद्रन अश्विन भी दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होने वाले हैं। पिछली बार भारतीय प्लेयर्स में वरुण चक्रवर्ती और जयदेव उनादकट 8.4 करोड़ में बिककर सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। वहीं ओवरसीज मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की बात करें तो उसमें सैम कुरान 7.2 करोड़ में बिके थे। इसके साथ ही टीमें अपने कोचिंग स्टाफ पर भी ध्यान दे रही हैं और आरसीबी ने माइक हेसन को अपना टीम डायरेक्टर, सिमोन कैटिच को हेड कोच, शंकर वसु को अपना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनाया है, साथ ही श्रीधरन श्रीराम को बैटिंग और स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है। मतलब पूरा का पूरा स्टाफ उन्होंने चेंज कर दिया है आईपीएल 2020 के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपना कोच ब्रेंडन मैकलम को बना दिया है और बहुत जल्द किंग्स इलेवन पंजाब की टीम भी अपने कोच का अनाउंसमेंट करने वाली है। मतलब साफ है कि हर टीम अपनी कमज़ोर कड़ी को दूर करने में लगी हुई है, शायद इसी वजह से आईपीएल 2020 बहुत ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो यही थी भाई आज की फुल न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय अपने विचार हमें दें। साथ ही हमारे इस क्रिकेट फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही क्रिकेट लेटेस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट हम आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।